अगर आप चाय के साथ कुछ नाश्ता बनाना चाहते हैं या फिर बच्चों के टिफ़िन के लिए नाश्ता बनाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पद्मा और टेस्ट विद पद्मा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है। बाउल में आधा कप बेसन डालेंगे। अगर आप इसे ग्राम से नापें तो 100 ग्राम बेसन है। आप कोई भी बेसन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें कुछ सूखे मसाले डालूंगी, तो 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इसी के साथ में आधा छोटी चम्मच नमक। यहाँ पर आप नमक को अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने एक बड़े साइज के प्याज को पतला पतला काट कर रख लिया था, अब उसी को डाल लेना है। इसके साथ में ही मैंने इसमें एक बड़े साइज के टमाटर को धोकर काट कर रखा था, उसी को डाल लेना है। यहाँ पर आप और भी अपने हिसाब से वेजिटेबल डाल सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बेसन, प्याज, टमाटर सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया है और चलिए इसे धीरे धीरे पानी डाल करके एक घोल बना करके तैयार कर लेते हैं। जब भी आप इस प्रकार के बेसन और ब्रेड का नाश्ता बनाते हैं तो इसमें घोल का कंटेंसी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको बहुत ही अच्छे से बनाना रहता है। तो धीरे धीरे करके ही पानी डालें। अगर आप इसके पैटर्नों को एकदम पतला ही बना लेंगे तो इसमें ब्रेड डालेंगे तो ब्रेड जो है पूरी तरीके से टूट जाएगा। और मैं इसमें धीरे धीरे पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और आपको कंटेंसी दिखा देती हूँ। इस प्रकार के हम घर में भजिया वगैरह बनाते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से इसकी कंटेंसी को रखना है। यहाँ पर मैंने 5 ब्रेड लिया है और ब्रेड को अच्छे से डीप करेंगे। पैटर्न तैयार करके रखे थे उसी में, और मैंने इसके पहले गैस के फ्लेम को ऑन करके तवा गरम कर लिया था और तवा जो है गरम हो चुका है। और चलिए इसमें मैं तेल डाल लेती हूँ 1 टीस्पून के करीब, और अच्छे से ग्रीस कर लेना है और ब्रेड को ला करके यहाँ पर सीधे ही डाल देना है। और इसके ऊपर में प्याज और टमाटर के थोड़ा सा घोल को ला करके अच्छे से डाल लेना है। एक इसी प्रकार से हमें दूसरे ब्रेड को भी ला करके डाल लेना है। अब चलिए मैं इसमें भी ऊपर में थोड़ा सा प्याज टमाटर को डाल देती हूँ। इसे अच्छे से पकाने के लिए मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी, तो इसे ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। अगर आप यहाँ पर इसे नहीं ढकते हैं तो यह अच्छे से नहीं पक पाएगा। और पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, देखिए ऊपर भी अच्छे से सूख चुका है। तो इसी कंडीशन में मैं इसको करछी की सहायता से पलट दूंगी। देखिए इसका एक साइड अच्छे से पक चुका है और दूसरे को भी इसी प्रकार से पलट लेना है। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा और तेल डाल के एक साइड को पका लेती हूँ। ब्रेड का यह नाश्ता जो है बहुत ही कम समय में बन करके तैयार हो जाता है। यहाँ पर आपको तलने की ज़रूरत है और ना ही तेल गरम करने की। यह फटाफट से बन करके तैयार हो जाता है। आपको 20 मिनट में ही नाश्ता जो है बन करके तैयार हो जाएगा। इस प्रकार की नाश्ता जो है बच्चों को भी बहुत ही पसंद आती है। आप इसे टिफ़िन में भी दे सकते हैं और इसका स्वाद जो है बहुत ही बढ़िया होता है। घर में बनने की वजह से यह बहुत ही हेल्दी और सेहतमंद है। और देखिए नाश्ता जो है पक चुका है। अब मैं इसे प्लेटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप इसे किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। इसे परोसने के लिए मैंने यहाँ पर टमाटर सॉस और टमाटर की चटनी बनाकर रखी है। इसमें बहुत ही बढ़िया लगती है। आप इसे चाय से पहले भी खा सकते हैं या चाय के साथ भी खा सकते हैं। और लीजिए एकदम परफेक्ट तरीके से बेसन और ब्रेड का जो हमारा नाश्ता है वो बनकर रेडी है। आप यहाँ पर इसे गर्मा गर्म परोस सकते हैं और लीजिए एकदम बढ़िया परफेक्ट तरीके से हमारे ब्रेड और बेसन का नाश्ता बन करके तैयार है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।